हेलो माई सेल्फ कमल सिंह सी एल सी मैथ फैकल्टी आज के हम 2019-2020 उन्नीस मेन के ऑनलाइन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जिसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने तो पहला क्वेश्चन क्या है लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो देन एल्फा रेस्टर फिफ्टीन प्लस बीटा रेस्टर फिफ्टीन इज इक्वल टू तो

माइनस टू प्लस माइनस सो हेर भी है फोर एट माइनस फोर सो अपॉन टू तो ये आपके पास है माइनस वन प्लस माइनस आयोटा एक्स तो एक को अपने अल्फा लेट कर लेते हैं माइनस वन प्लस आयोटा ठीक है दूसरा बीटा इस फॉर्म में माइनस वन माइनस आयोटा तो ये आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो so, इसको देखो आपने किस फॉर्म में चेंज कर लो पोलो फॉर्म में तो पोलो फॉर्म में चेंज करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा तो ये तो इसमें आपके पास में इसका आर्गुमेंट ऑफ दिसर इस, इस तो 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 में माइनस वन तो वो पाई माइनस कितना हो जाएगा आपके पास थ्री पाई बाई फोर आ रहा है तो इसमें रूट टू कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस आय साइन थ्री पाई फोर ऐसा हो गया क्लियर सो टू भी है बीटा इसकी वैल्यू आपके पास में में बीच माइनस लग जाएगा तो फोर माइनस आयटा साइन थ्री पाई बाई फोर सो एल्फा रेशन प्लस बीटा रेशन जैसे अब इसमें अपने क्या है थ्योरम लगा देंगे तो ये वाला पार्ट आपके पास में क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा तो इसमें तो ये इसमें जब आप डिमोरिज लगाओगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 15 पाई अपॉन फोर प्लस आयटा साइन 15 पाई अपॉन फोर ये सेम इसमें भी है वही आएगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में इधर क्या रहा है टू कोस फिफ्टीन पाई अपॉन फोर इस फॉर्म में आ गया अब इसको अपने क्या है फिर आगे चेंज कर लें तो ये कितना हुआ आपके पास में टू रेज फिफ्टीन अपॉन टू फिफ्टीन अपॉन टू प्लस वन ऐसा ठीक है इसका आपके पास में क्या बनेगा कॉस इलेवन पाई प्लस पाई बाई फोर तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव में आ गया आपके पास में ये तो इसमें सो टू रेज पावर यहां पे आपके पास में फिफ्टीन अपॉन टू तो ये माइनस का इधर तो इसको अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास में माइनस का बनेगा तो टू पावर यहाँ पे क्या आएगा ये सेवनटीन सेवनटीन अपॉन टू टू पावर पेवनटीन अपॉन टू यहां पे आपके पास में माइनस का ये माइनस का बन गया एंड वन अपॉन टू अपॉन रूट टू तो इसकी वैल्यू आपके पास में टू रेशो माइनस वन अपॉन टू तो ये कम हो जाएगा इसमें एट इज माइनस टू फिफ्टी सिक्स तो ये आंसर so, so, आएगा तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट ए थीटा बिलोंग्स टू माइनस फाइव से पाई थ्री प्लस टू आयोटा अपनस टूटालीफ दिन क्वेश्चन में यह कह रहा है कि देखो दिस नंबर इज क्या है? अगर ये है जो क्या प्योरली इमेजनरी हो तो थीटा की क्या क्या वैल्यू आती है so, so, उन वैल्यूज का अपने को सम निकालना है तो so, अपने इसको पहले जेड लेड लेट कर लेते हैं तो ये आपके पास में प्योरली मिजनरी है तो इसमें देखो जेड इज इक्वल टू सो थ्री प्लस टू आयोटा साइन थीटा अपॉन वन माइनस टू आइटा साइन थीटा इस फॉर्म में तो so, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो वन प्लस टू आयोटा साइन थीटा वन प्लस टू आइटा साइन थीटा इस फॉर्म में तो अब अपने को ये पता है ना बेटा इसमें क्या जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो इसका रियल पार्ट आपको जीरो के इक्वल करना है तो नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा वन प्लस फोर साइंस के थीटा ये आएगा ठीक है ना तो अब इसमें इसका आपको ऊपर से रियल पार्ट को किसके इक्वल रखना है जीरो के रियल पार्ट ऑफ जेड इज इमेजिनरी सो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो तो वो यहां से ऊपर आप डायरेक्ट क्या रियल पार्ट निकाल लो इसका थ्री एंड यहां से माइनस फोर तो देखो ये क्या आएगा फोर आयोटा स्कोर साइन स्केर थीटा क्लियर है तो वही बनेगा आपके पास में और इसमें और रियल पार्ट तो देखो बाकी में आयोटा आएगा तो क्या आ गया आपके पास में थ्री थ्री ये रियल पार्ट कह रहा हूं मैं सो so, थ्री माइनस फोर साइंस स्केयर थीटा इजिकल टू जीरो इस, इस फॉर्म में आ रहा है ठीक है तो इसमें साइन स्केयर थीटा इक्वल टू किसके आ आपके पास में रूट थ्री तो दिस इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है आपके पास में थ्री बाई फोर सो साइन थीटा प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू तो अब इसमें देखें आपके पास में कहां, -कहां ये माइनस रूट थ्री बाई टू होता है तो इसमें रूट थ्री बाई टू

तो देखो पहले अपने को ये पता है ना इसके जो रूट होते हैं कंप्लेक्स ठीक है इमेजिनरी रूट होंगे क्लियर तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका देखो इसके आपके पास में रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस, एक प्लस वन इसके रूट आपके पास में ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर होते हैं तो ओमेगा किसके इक्वल होता है माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू ये ओमेगा स्क्वेयर माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू इस फॉर्म में आएगा

थ्री का मल्टीपल है ना इधर ये ये भी थ्री का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू वन हो गई तो क्या आ गया आपके पास में थ्री प्लस सिक्स आयोटा माइनस थ्री आयोटा सो दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री आयोटा ठीक है तो ये आपके पास में थ्री वन प्लस आयोटा इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा पाई बाई फोर सो आर्ग्यूमेंट ऑफ सो दिस इज जेड तो ये जेड आ गया ना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू बाई फोर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास में थ्री मोडलस ऑफ जेड वन इज इकल टू टू मोडलस ऑफ जेड टू इफ जेड इज इकल टू थ्री जेड वन अपॉन टू जेड टू प्लस टू जेड टू अपॉन थ्री जेड वन ठीक है इसके इक्वल कह रहा है तो अपने को ये कंडीशन दी हुई है तो फिर जेड के बारे में बताना आपको ठीक है तो अब इसमें देखो इसका सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे तो so, तो इसको अपने देखो modulus of three upon modulus of two तो दो को अंदर ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो फर्दर कैन बी इक्वल टू किसकेड वन अपॉन टू जेड टू इज इक्वल टू वन तो वन के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब इसको अपने लेट कर लेते हैं किसके इक्वल आपके पास में देखो तो कॉस थीटा ठीक है तो ये इस कंप्लेक्स नंबर को मैं किस फॉर्म में लेट कर लेता हूं तो ऐसे देखो इसका मॉडलस आपके पास में किसके इक्वल आ रहा है वन के इक्वल आ रहा है तो अपने इस कंप्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं थ्री जेड वन अपॉन टू जेड टू इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में क्लियर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास में टू जेड टू टू जेड टू अपॉन थ्री जेड वन इज टू बी आई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा तो इसका रेसिप्रोकल तो ये बनेगा आपके पास में दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट वी गेट जेड जेड इज एडिंग दिस टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू कॉस थीटा सो टू कॉस थीटा क्लियर तो इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज भी जीरो क्लियर है अब इसका मोडलेस तो आपका वेरी करेगा आपके पास में फ्रॉम जीरो टू टू तो वो इसमें आप मोडलेस को तो आप बता ही नहीं सकते सो इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस इज जेड इज जीरो सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन नेक्स्ट जेड इज इकल टू रूट थ्री प्लस अपॉन टू रेशा फाइव रूट थ्री माइनस आयोटा अपॉन टू रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट ऑफ जेड एंड दिस इमेजिनरी पार्ट डिनोट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड सो वी हैव टू फाइंड ऑफ इज करेक्ट तो इसमें से आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आ रहा है तो देखो अब इसमें अपने इसको क्या है किस फॉर्म में लिख लेते हैं पोलो फॉर्म में लिख लो तो आपके पास में ये किसके इक्वल आ रहा है कॉस पाइव बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन पाइव बाई सिक्स ऐसे फाइव इसमें तो कॉस फाइव बाई सिक्स माइनस आयोटा साइन पाइव बाई सिक्स फाइव क्लियर तो इसमें डिमोरिज थोरम लगा दे ठीक है तो इसमें माइवर पर में लगाओगे तो आपके पास में क्या आएगा जेड इज़ इक्वल टू तो आपके पास में कॉस फाइव फाइव बाई सिक्स प्लस आयटा साइन फाइव पाइव बाई सिक्स प्लस कॉस बाई सिक्स माइनस आयटा साइन फाइव तो पाइव बाई सिक्स इस तरीके से आ गया ये कैंसिल हो गया तो टू कॉस फाइव पाइव बाई सिक्स ऐसा है क्लियर है तो इसकी वैल्यू आपके पास है फाइव इज माइनस रूट थ्री सो माइनस रूट थ्री सो रियल पार्ट ऑफ दाइनस रूट थ्री तो इसमें है नहीं किसी में दे नहीं रखा आपको ठीक है तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसमें आपके पास में जीरो क्लियर है तो आपके पास में इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हियर तो इसमें सेकेंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिक्स क्वेश्चन में लेट माइनस टू माइनस वन पॉइंट थ्री आयोटा होल क्यूब एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन ट्वेंटी सेवन वे आयोटा इज इक्वल टू अंड माइनस वन एक्स एंड वाई आर रियल नंबर क्वेश्चन है तो इसमें देखो आपके पास में माइनस टू माइनस वन पॉइंट थ्री आयोटा होल क्यूब सो एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन ट्वेंटी सेवन तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल दें आप माइनस तो इधर आपके पास में टू प्लस वन पॉइंट थ्री आयोटा तो उसका ए प्लस बी ऑल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्यर बी प्लस थ्री ए बी स्क्र वो वाला फार्मूला लगा दें तो यहाँ पे क्या आएगा एट प्लस वन पॉइंट थ्री ए नाइन आईटा स्क्र एंड प्लस थ्री इसका स्क्वायर करेंगे ट्वेल्व यही आएगा तो आपके पास में इंटू में आयटा पॉइंट थ्री फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास में स्क्र अपॉन नाइन इस फॉर्म में आ रहा है सो दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन ट्वेंटी सेवन इस फॉर्म में हुआ अब इसको आप क्या इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे सो वट वी हैव द इमेज सो रियल पार्ट इज माइनस सिक्स बाई नाइन यहां पर क्या हो गया आपके पास में माइनस टू पॉइंट थ्री तो माइनस टू पॉइंट थ्री एंड माइनस एट तो और इसमें आपके पास में स्केयर ये आएगा ये क्यूब हुआ पे, तो यहाँ पे क्यूब तो यहां पे आपके पास में क्यूब था ये सॉरी ट्वेंटी सेवन क्यूब कर दो ठीक है सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्म में आएगा तो ये आपके पास में आयटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा ठीक है तो अब इसमें देखो माइनस एट माइनस ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस टू तो ये आपके पास है प्लस का टू ओ क्लियर है तो ये एक्स अपॉन ट्वेंटी सेवन इस फॉर्म में आ गया अब इमेजिनरी पार्ट को अपने इक्वेट करेंगे तो ये माइनस का आटा आएगा यहां से माइनस का तो ये अपॉन अपॉइंटी सेवन ट्वेंटी माइनस फोर तो माइनस फोर आ गया तो दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन ट्वेंटी सेवन तो क्लियर तो है अब इसमें आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें और क्या है तो ये माइनस का ट्वेंटी फोर तो ये इधर आपके पास में वाई माइनस एक्स ऐसा लेना है तो यहां से कितना आ रहा है माइनस वन हंड्रेड एट माइनस वन हंड्रेड एट अपॉन ट्वेंटी सेवन वाई अपॉन ट्वेंटी सेवन इस फॉर्म में आ गया ठीक है इधर आपके पास है माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू अपॉन थ्री सो दिस इज एक्स अपॉन ट्वेंटी सेवन एंड So, y माइनस वाई अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स अपॉन ट्वेंटी सेवन इस तरीके से कर लो तो इसमें आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी है तो माइनस वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड एट अपॉन ट्वेंटी सेवन एंड दिस भी है ए वन एट कितना है तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा प्लस ट्वेंटी टू अपॉन थ्री सो इसका नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये कितना आ रहा है तो so, so, ये आपके पास में यहां से प्लस का तो ये प्लस का वन था एक तो so, ये कितना हुआ यहां पे इस तरफ तो so, ये वन हंड्रेड सेवन तो वन हंड्रेड सेवन इसको अब थोड़ा सा यूं करें वन हंड्रेड सेवन तो ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो so, आपके पास में किसके इक्वल आ रहा है माइनस वन हंड्रेड सेवन प्लस वन एट नाइन सो कितना आ रहा है 198 सॉरी 198 अपॉन 27 सो दिस इज 91 सो so, y माइनस एक्स इज इक्वल टू नाइनटी तो इस फॉर्म में आ रहा तो विच आंसर इज करेक्ट हियर सिक्स वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट द मॉडुलस ऑफ जेड इज प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस आयोटा

तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट इस हेयर भी है कितना तो तो आ गया यहाँ पे वन इमेजिनरी पार्ट तो वाई की वैल्यू इसमें डालो उसको सोल्व कर लो एक्स को तो क्या आएगा आपके पास में अंट एक्सक्र प्लस वन एंड दिस इज थ्री माइनस एक्स स्क्

Iota y, Z is तो ये आपके पास फोर प्लस थ्री आयोटा अपॉन थ्री सो व्हाट इज फाइव पॉइंट थ्री मोडलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज फाइव पॉइंट थ्री तो इसका मोडलस आपने निकाल लेंगे तो ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन इफ जेड माइनस सेल्फा अपॉन जेड प्लस सेल्फाइन ज प्योरली इमेजनरी एल्फा बिलोंग्स टू आर क्लियर तो आपके पास है मोडलस ऑफ जेड इज इक्वल टू टू वैल्यू बतानी है अब प्योरली इमेजनरी के लिए आपके पास में अगर जेड क्या प्योरली इमेजनरी है तो जेड इक्वल टू बी है माइनस जेड बार ये इफ जेड इज प्योरली इमेजिन तो यह प्रॉपर्टी होती है बेटा तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे तो जेड तो इसमें देखो आपके पास में दिस कंप्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी क्या कंडीशन आएगी तो जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड प्लस एल्फा इज प्योरली इमेजनरी तो आपके पास में जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड प्लस एल्फा तो इस फॉर्म में आएगा ये आपके पास में तो यहां पे अल्फा बिलोंग्स टू आर है तो अल्फा क्या है प्योरली रियल है तो इसमें आपके पास में किस फॉर्म में आएगा ये तो जेड माइनस e का इधर आ जाएगा अल्फा अपॉन तो यहाँ से आपके पास में जेड प्लस अल्फा अपॉन जेड प्लस एल्फा सो दिस विल बी माइनस जेड बार माइनस एल्फा जेड बार प्लस एल्फा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो so तो करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में क्या आ रहा है तो जेड जेड बार एंड प्लस जेड अल्फा एंड माइनस अल्फा जेड बार एंड माइनस अल्फा स्क्वेयर इस तरीके से आएगा इसको देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा साथ में आपके पास माइनस जेड जेड बार इस फॉर्म में आ गया और माइनस जेड अल्फा फिर अल्फा जेड बार फिर माइनस अल्फा स्क्वेयर ठीक है तो अब इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है तो इधर माइनस अल्फा स्केयर आएगा और इधर माइनस अल्फा स्केयर है तो देखो अब इसमें कुछ कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ गया आपके पास है मोडलस जेड स्केयर तो जेड अल्फा ये प्लस का है ये भी प्लस का आएगा तो ये कैंसिल ये माइनस का है ये भी कैंसिल हो गया तो इधर आपके पास में ये माइनस अल्फा स्क्यर आ गया तो दिस वी कैन राइट ऑन माइनस अल्फा स्केयर एंड माइनस जेड मोडलस ऑफ जेड स्केयर दिस इज प्लस अल्फा स्केयर तो ये आपके पास में टू मॉडल ऑफ जेड स्क्र इज इकल टू टू एल्फा स्क्सर किसके इक्वल है ऑफ किसके इक्वल आपके पास में टू के so, सो एल्फा स्क्व टू फोर क्लियर है तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू क्या आ गई टू प्लस माइनस टू सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर फोर्थ मन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट जेड वन एंड जेड टू बी टू कम्पलेक्स नंबर द से मोडलसड वन इज इक्वल टू नाइन एंड ऑफ मोडलसाइज टू फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड वन माइनस जेड टू तो इसका मतलब क्या होता है ये मोडलस ऑफ जेड वन इज इक्वल टू नाइन इट मीन द लोकस ऑफ जेड वन मतलब जेड वन का जो लोकस है एक सर्कल है हु सेंटर इज ओरिजन एंड रेडियस इज वट नाइन तो उसका रेडियस कितना आपके पास में नाइन है ठीक है तो ऐसे फिर आपके पास में ये भी क्या है जेड टू क्या है एक लोकस मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है लोकस ऑफ इस सर्कल सेंटर इज इज एंड रेडियस इस फोर. तो आपके पास में अगर आप इसको जिमेट्री से करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से देखें अपने तो पहले अपने ये सर्कल है एक आपके पास में मोडलस ऑफ जेड वन अपॉन नाइन दिस रिप्रेजेंट एज सर्कल रेडियस इज नाइन ठीक है एंड सेंटर इज ओरिजन तो आपके पास में इस टाइप से ये सर्कल हो गया इट्स रेडियस इज भी है नाइन दिस पॉइंट इज नाइन जीरो तो ऐसे आपके पास में आएगा अब ये जो सर्कल आपके पास में इसका सेंटर कितना है थ्री फोर क्लियर तो इसका सेंटर आपके पास में थ्री फोर है तो आपके पास में थ्री इधर जाना है तो फोर ऊपर जाना है तो ये जिससे देखो ऐसा है तो ये सेंटर इसका थ्री फोर है क्लियर है अब इसमें देखो इस सर्कल के सेंटर और इस सर्कल को अपने ज्वाइन करते हैं अपने पास में सेंटर को ज्वाइन करते हैं व्हाट इज दिस डिस्टेंस दिस इज फाइव तो उधर कितना रह गया फोर रह गया हाउ मच दिस डिस्टेंस फोर ये वाला यहां से यहां तक ये आपके पास में इसको मैं सी वन ले लेता हूं अब एक सर्कल ड्रा करना है यहाँ पे आपको टेकिंग थ्री फोर एज ए सेंटर तो थ्री फोर को सेंटर लेते हुए हुज रेडियस कितना फोर तो उसका रेडियस जब फोर होगा तो ये डिस्टेंस ये कितना फोर है तो वो सर्कल क्या करेगा जो ये छोटे वाला जो सर्कल है दैट विल टच दिस सर्कल वो इस सर्कल को अंदर की तरफ से टच करेगा विल टच इट इंटरनली इंटरनली इसको टच करेगा आंतरिक रूप से इसको टच करेगा तो देखो आपके पास में ये कितना फाइव है तो ये यहां से कहीं जाएगा तो देखो वो इस तरह इस तरीके का सर्कल हो गया ये ये वाला सर्कल ठीक है अब जेड वन किस पे लाइज करता है ठीक है तो आपके पास में दोनों पॉइंट क्या है मिनिमम डिस्टेंस कहां पर आएगा क्लियर है तो वो आपके पास में इस पॉइंट पे आएगा So, यहां पे आपके पास में इस पॉइंट पे आपके पास में क्या होगा मोडलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू विल इक्वल टू जीरो सो जेड वन मोडलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मतलब क्या है डिस्टेंस बिटवीन द जेड वन एंड जेड टू ये मिनिमम कहां पर है इस पॉइंट पे क्लियर है तो आपके पास में मैक्सिमम अगर देखना हो तो मैक्सिमम तो देखो आपके पास में इस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें तो ये यह पर आपके पास में जैसे क्या आएगा जेड टू इधर आएगा तो जेड वन आएगा तो मैक्सिमम इसका फिर उस तरीके से देख लेंगे तो मिनिमम वैल्यू पूछा सो ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड वन तो ये आंसर आ जाएगा तो ये वेरी सिंपल ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन तो अल्फा मतलब भी एन की क्या लीस्ट वैल्यू बतानी है फॉर बीच दिस इज इक्वल टू वन तो वन के इक्वल आए तो सॉल्यूशन इसमें देखो एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस टू इसके रूट से निकालो पहले आपके पास में दिस इज टू प्लस माइनस एंड यहां से कितना आ रहा है आपके पास में फोर माइनस एट तो माइनस फोर अपॉन टू सो दिस इज वन प्लस माइनस इस फॉर्म में आ रहा है तो आपके पास में अल्फा एक को अल्फा ले लो वन प्लस आयोटा ठीक है वन प्लस आयोटा सो तो दूसरा बीटा वन माइनस आयोटा सो तो अल्फा अपॉन बीटा रेस पावर एन तो क्या आ गया, गया वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा किसी को भी आप ले लो आप चाहे तो ये अल्फा को वन माइनस आयोटा ले लो बीटा को वन प्लस आयोटा ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको रेशनलाइज किया तो इसको मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके पास में यून होल आएगा तो इधर नीचे क्या आ जाएगा माइनस आयोटाफाई करोगे तो टू आयोटा तो आएगा ऊपर तो नीचे टू आ गया क्लियर है तो आपके पास में व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फोर विच दी आयोटा पर एन इज इक्वल टू वन तो आपको पता है आयोटा की पावर में फोर का अगर मल्टीपल हो ठीक है तो आपके पास में मिनिमम वैल्यू पूछा है ना इसमें सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन जीरो नहीं लेना इसमें आपके पास में जीरो तो दे नहीं रखा तो so, इसमें फिर एन की वैल्यू आपके पास में देन रेश फॉर रेश रेश फॉर फॉर ट्वेल्व दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन सो मिनिमम क्या होगी फिर इसमें वैल्यू फोर सो दिस इज पॉसिबल वेन आयोटा रेश फॉर एन इज इक्वल टू वन सो विच इज पॉसिबल वेन किसके लिए एन इज इक्वल टू फोर ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर थर्ड वन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल दी पॉइंट्स इन सेट एस सारे जो पॉइंट हैं इन सेट एस में एल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर लाई ऑन विच तो वो किस पे लाई करते हैं तो अपने पास में देखो यहां पर आपके पास में क्या है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है ठीक है इसके इक्वल दे रखा है तो वो अपने को ये देखना है कि वो जो जेड है वो किस पे लाई करता है ऑन विच कर्व जेड लाइज मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से कर्व पे लाई करता है अपने को ये देखना है तो मैं इसको किसके को लेट कर लेता हूं जेड के तो जेड का जब लोकस फाइंड आउट करना है तो जेड पर एक्स प्लस आय वाई रखो तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी तो वहां से आपके पास में एक्स और वाई में क्या रिलेशन आता है वो आपको लोकस देगा किसका जेड का ठीक है तो देखो इसमें क्या है सॉल्यूशन इसमें लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो ये कम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने इसके इक्वल अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा तो इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लिया अल्फा प्लस आयोटा होल स्क्वायर तो नीचे क्या आएगा आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस वन तो एक्स प्लस आयोटा वाई तो ये आपके पास में अल्फा अल्फास्कअर माइनस वन प्लस टू एल्फा आयोटा अपॉन एल्फा स्क्र प्लस वन ऐसा आएगा तो इसको कंपेयर करें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी किसके इक्वल आ रहा है एक्स इज इक्वल टू एल्फास्क माइनस वन अपॉन एल्फा स्क्र प्लस वन ऐसा हो गया सो बडी बाई वाई किसके इक्वल आ गया आपके पास टू एल्फा अपॉन एल्फा स्क्र प्लस वन इन दोनों का स्केयर ऐड कर दो स्केयरिंग एडिंग तो स्केयरिंग एडिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास में एक्स स्क्र प्लस वाई स्केयर जब इसको स्केयरिंग एडिंग करोगे तो यहां से आपके पास में एल्फा माइनस वन होल स्केयर प्लस फोर एल्फा स्केयर तो एल्फा को एलिमिनेट कर दो यहां से अपॉन में एल्फा स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर तो ये आपके पास में वन के इक्वल आ गया उसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्पा रे, फोर माइनस टू अल्फा तो अल्फा स्क्र प्लस, वन, तो प्ल, तो प्लस वन, होल आ गया तो ये सो लोकस ऑफ सेंटर इज दिजन एंड रेडियस इज वन तो क्या आ गया आपके पास में ए सर्कल हु नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट जेड बिलोंग्स टू सी मोडलसन वन क्लियर क्या है फिर आपके पास में बीच ऑप्शन इस करेक्ट ये दे रखा है तो यहां से आप क्या करें देखो इसमें आप पहले यहां से जेड निकालो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मोडलस ऑब्जेक्ट को किसके कुल कम कर दो मतलब लेस देन वन कर दो तो ओमेगा को अपने एक्स प्लस आय वाई लेट कर लेंगे तो इसमें देखो ऐसे सॉल्यूशन तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं देखो क्या आएगा आपके पास में फाइव ओमेगा माइनस फाइव ओमेगा जेड क्रॉस मल्टीप्लाई के दिया प्लस फाइव प्लस थ्री जेड तो यहां से बेटा जेड की वैल्यू निकाल लो तो ये क्या आ रहा है आपके पास में फाइव ओमेगा माइनस वन एंड दिस इज जेड फाइव ओमेगा प्लस थ्री इस फॉर्म में आ रहा है सो दैट इज इक्वल टू बी है फाइव ओमेगा माइनस वन अपॉन फाइव ओमेगा प्लस थ्री इस फॉर्म में आ गया अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास में ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन वन ऐसा है तो यहां पे आपके पास में फाइव मोडलस ऑफ ओमेगा माइनस वन अपॉन फाइव ओमेगा फाइव ओमेगा प्लस थ्री क्लियर लेस वन इस फॉर्म में आ रहा है अब इसमें आपके पास में क्या है ओमेगा की वैल्यू लेट कर लो एक्स प्लस आई तो उसको अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां से आपके पास में देखो तो देखो इसमें ओमेगा एक्स प्लस आयोटा वाई इसको रख लिया फाइव एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई तो इधर लेस देन तो फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव वाई ऐसा ही है अब इसमें देखो आपके पास में इसका जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में इसमें तो फाइव अंड माइनस वन होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इसमें आपके पास में फाइव एक्स प्लस थ्री में प्लस ट्वेंटी फाइव वाई स्केयर तो स्केयरिंग करो इसमें देखो आपके पास में स्केयरिंग करने पे क्या आता है स्केरिंग पे तो स्केयरिंग किया तो ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्र माइनस फिफ्टी एक्स प्लस तो साथ साथ ही लिख रहा हूं मैं ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्र लेस देन इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्र प्लस नाइन एंड प्लस थर्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्र ऐसा हो गया तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो देखो ये ये कैंसिल इधर से ये कैंसिल तो आपके पास में क्या आ रहा है तो यहां से x हो गया आपके पास में 30 सो थर्टी एक्स दिस इजर नाइन सिक्सटीन तो इस तरीके से आ रहा है आपके पास में एक्स इज ग्रेटर देन सिक्सटीन सो दिस इज फाइव एक्स इज ग्रेटर रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर इज करेक्ट हेयर तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन है तो फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट तो क्वेश्चन में देखो आपके पास में इफ ए ग्रेटर देन एंड होल अपॉन ए माइनस आयोटा जेड बार तो जेड बार किसके कुल है अपने को ये बताना है तो इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना तो इसको देखो पहले आप सिंप्लीफाई कर लें तो कैसे इसकी किसके कुल कह रहा है वो तो वो देख लेते हैं अपने तो देखो मॉडुलस ऑफ दैट इज इक्वल टू अपॉन फाइव सिंपल क्वेश्चन है तो आपके पास में वन प्लस इस फॉर्म में आएगा ठीक है तो अब इसमें इसका मोडलस लेंगे तो देखो पहले आप क्या करोगे इसका मोडलस करके फिर उसका स्क्वेयर कर दो तो टू आ गया ऊपर ऊपर टू तो नीचे तो इसका टू बनेगा ना ये ठीक है तो इसमें मोडलस ऑफ जेट स्केयर या इसको ऐसे लिख देंगे देखो एक ही बात है ये मोडलस ऑफ जेट स्केयर इस फॉर्म में लिख दोगे आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना आपके पास में तो इसको वन प्लस आयोटा ठीक है तो अगर आप इसको स्केयर करेंगे तो देखो टू आयोटा ही आएगा आपके पास में जैसे मैं ये कह रहा हूं तो आपके पास में क्या आएगा टू आयोटा तो उसमें आयोटा का मोडलस फिर आपके पास में वन होता है तो टू ही बनेगा अब नीचे आपके पास में क्या आ रहा है इधर सो अंडू ए स्केर प्लस वन इधर ऑफ मतलब इज इक्वल टू अंडू टू अपॉइंट फाइव तो स्केयरिंग कर दें दे स्केरिंग. तो ए स्केर प्लस वन सो दिस इज टू अपॉइंट फाइव तो आपके पास में टू इधर ठीक है तो टेन सो दिस इज टेन इज इक्वल टू स्क्यर प्लस वन सो ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस थ्री ठीक है तो आपको ए की वैल्यू क्या कह रहा है वो ए इज ग्रेटर स्क्र अपॉन थ्री माइनस आयोटा ऐसा आ रहा है ना इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखो आपके पास वन माइनस तो टू आएगा टू आयोटा टू आयोटा एंड थ्री माइनस आयोटा इसको आप क्या है इज कर दो मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो सो so, ये कितना हुआ आपके पास में थ्री प्लस आयोटा तो नीचे टेन हो गया तो इधर तो इसमें टू ऐसे अपॉन में टेन इस फॉर्म में आ गया स्कोर सिंप्लीफाई कर लो माइनस टू ठीक है अपॉन टेन ऐसा आ गया तो माइनस प्लस का दिस विल बी थ्री आटा अपॉन फाइव सो वट इज दुगेट कॉन्जुगेट क्या है आपके पास है माइनस वन अपॉइंट फाइव एंड माइनस थ्री अपॉइन फाइव ऐसा आ रहा है ये कॉन्जुगेट हो आपके पास ऑप्शन इज करेक्ट है? फर्स्ट वन तो ये आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में जेड एंड उमेगा आर दू कंप्लेक्स नंबर सज दैट दी मोडलस ऑफ जेड उमेगा ठीक है

अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपके पास में कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा प्लस टू वन इसके अकॉर्डिंग लिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू तो यहां से आपके पास में दिस इज थीटा माइनस फाइव एंड दिस बी है So, आपके पास में जेड किसके कोल आ गया जब इसमें आप डालोगे ना तो ये आपके पास में कॉस पाई बाई टू प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू प्लस फाइव ऐसे इस तरीके से रखोगे तो ये आपके पास में माइनस साइन फाइव आएगा माइनस साइन फाइव इसको आप क्या लिखोगे प्लस आयोटा कॉस फाइव इसको देखो माइनस वन है नहीं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूँ आइटा स्कोर लिख सकता हूं आइटा स्क्यर तो आइटा स्क्र साइन फाइव प्लस आयोटा कॉस फाइव तो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो आयोटा कॉमन निकाला तो क्या आ गया कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव ठीक है तो ये आपके पास में किसके क्वाल है उमेगा केक्वल है सो जेड इज इक्वल टू आयटा उमेगा इस फॉर्म में आ गया अब इसमें देखो क्वेश्चन में आपके पास में जेड बार किसके बराबर आएगा तो जेड बार देखो आपके पास में जेड बार किसके कुल हो गया फिर आपके पास में माइनस आयोटा ठीक है उमेगा बार ये तो जेड बार को जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हो ऐसे जेड बार को जब उमेगा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में किसके कुल आएगा माइनस आयोटा उमेगा बार इंटू उमेगा तो ये क्या हो गया आपके पास में माइनस आयोटा मुडलस ऑफ ओमेगा क्लियर है तो इसका आपके पास में वैल्यू कितनी है वन तो ये वन है तो माइनस आयोटा तो ये किसके कुल आ गया आपके पास में जेड बार ओमेगा तो ये आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस ओमेगा माइनस आयोटा सॉरी तो जेड बार ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो so नेक्स्ट में देखो आपके पास में द इक्वेशन मोडलस ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इकल टू जेड माइनस वन देकल टूट माइनस वन रिप्रेजेंट ठीक है तो अगर देखें आप इसको थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री से करें तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है तो अगर मैं आपको ये पूछता हूं जेड माइनस मोडलस ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इकल टू मोडलस ऑफ जेड माइनस जेड टू देखो ये आप अगर थोड़ा सा इस पर कंसिडर करें तो का लोकस आपके पास में यहां पे क्या है लोकस ऑफ द जेड इज परपेंडिकुलर बाइसे ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द जेड वन एंड जेड टू तो का लोकस आपके पास में क्या है जेड वन और जेड टू को मिलाने वाली जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ऐसे आपके पास में यहां पे का लोकस क्या होगा लोकस ऑफ जेड इज हेयर वी हैव पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द जीरो वन जीरो जीरो वन है यहां पे देखो आपके पास में यहां पे तो ये 0, इधर से आपके पास में वन जीरो जेड का अपने पास में डिस्टेंस है किससे जीरो आयोटा से ये कंप्लेक्स नंबर क्या हो गया आपके पास में यहां पे आयोटा ये कंप्लेक्स नंबर क्या हो गया वन तो जेड का इन दोनों से डिस्टेंस बराबर है ठीक है तो आपके पास में अब मेरे को ये बताओ व्हाट इज द परपेंडिकुलर व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द दिस टू पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका मिड पॉइंट क्या हुआ आपके पास होगा 1/2 1/2 ऐसा आएगा वो लाइन क्या होगी दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन ओरिजिन से पास होगी क्लियर है तो क्यों अब जेड इस पे इसमें मूव कर रहा ना तो जेट जब इस पर मूव करेगा तो उसका इससे और इससे डिस्टेंस क्या रहता है हमेशा सेम रहता है तो ये पॉइंट भी तो होगा ना वन इधर से वन इधर तो दिस लाइन इज नाई ठीक है इक्वल टू वाई है तो इसका स्लोप कितना है वन है तो लोकस ऑफ जेड इज लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हू स्लोप इज वन तो जो मूल बिंदु से होकर जाने जिसका ढाल क्या one है वन है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखें आपके पास में जेड बिलोंग्स टू सी विद इमेजनरी hmm. पार्ट ऑफ जेड इज इकल टू टेन सेटिस्फाई दिस तो फिर आपके पास में इसमें देखो जेड का इमेजिनरी पार्ट आपके पास में क्या दे रखा है टेन है तो उसका अपने रियल पार्ट क्या लेट कर लेते हैं एक्स लेट कर लेते हैं देखो मैं लेट कर लेता हूं ऐसे नंबर क्या है लेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लेट कर लेते हैं एक्स प्लस टेन आयोटा इमेजरी पार्ट कितना कह रहा है टेन तो इसमें रखें आप, आप इसको सोल्व करें देखो फिर क्या आता है तो यहां पे टू एक्स प्लस टेन आयोटा माइनस टू एक्स प्लस टेन आयोटा प्लस इक्वल टू टू आयोटा माइनस वन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको कंपेयर कर लो तो आपके पास में देखें इधर क्या आ रहा है तो एक्स माइनस एन ऐसा आ गया प्लस ट्वेंटी आयोटा तो इधर अपने पास में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 आयोटा माइनस वन इसको पहले आप ढंग से लिख लें तो 2x एक्स प्लस ट्वेंटी आयोटा प्लस एन इस फॉर्म में बेटा ठीक है तो अब इसमें देखो आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास में फोर आयोटा एक्स एंड माइनस का ये देखो आइटा स्केर होगा तो माइनस का फोर्टी इधर आपके पास में टू आइटा एन ऐसा आ जाएगा फिर माइनस का टू एक्स और इधर आपके पास में माइनस ट्वेंटी आइटा एंड माइनस एन तो कुछ जो कटता है उसको काट दो अब रियल पार्ट को आप कंपेयर कर लो माइनस एन ये कैंसिल हो गया बेटा तो रियल पार्ट आपके पास में देखो इस क्या आएगा ये प्लस का फोर एक्स हो गया ठीक है प्लस का फोर एक्स तो इधर माइनस फोर्टी ठीक है तो माइनस का यहां से कितना आ रहा है तो टेन आ रहा है इसमें ठीक है तो इसमें देखो आपके पास में इसको टू आयोटा माइनस का देखो फोर्टी आयोटा उसके आएगा तो सही है तो ये आपके तो तो पास में रियल पार्ट क्या हुआ रियल पार्ट इसमें रियल पार्ट को कंपेयर कर दिया तो आपके पास में फोर एक्स फोर एक्स ठीक है और इधर से आपके पास में ये आयोटा आयोटा इधर कितना आपके पास में माइनस फोर्टी एक्स इज इकल टू माइनस टेन अब बेटा इमेजनरी पार्ट को कर दें, इमेजनरी पार्ट तो इमेजनरी पार्ट देखते हैं क्या आपके पास में इमेजनरी पार्ट क्या रहा है तो इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहां से कितना है? 20 ट्वेंटी उधर से क्या है फोर एक्स ट्वेंटी फोर एक्स और क्या है टू आयोटा माइनस ट्वेंटी सो टू एन प्लस टू एन एंड माइनस ट्वेंटी ये इस फॉर्म में तो यहां से आपके x की वैल्यू डाल दो x की वैल्यू कितनी है माइनस टेन है तो माइनस टेन है ना तो इधर आपके पास में माइनस फोर्टी हो जाएगा तो ये प्लस का एटी आ रहा है क्या तो आपके पास में देखो ये फोर्टी इसमें आपके पास में माइनस का टेन तो ये टू एन इज इकल टू एटी एन इजिकल टू कितना है आपके पास में फोर्टी सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पे है फर्स्ट ऑप्शन तो सिक्सटींथ का आपके पास में ऑप्शन आंसर क्या आ गया फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन में बेटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन फोर माइनस आइवेटा को जीरो से टू पाई तो में इज ए रियल नंबर एक रियल नंबर है ये देन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा देखो यहां पे आपको इसका आर्ग्यूमेंट पूछा है तो देखें आप इसमें क्या है पहले आप इसमें क्या है? ये रियल नंबर है तो इसका अपने को इमेजिनरी पार्ट किसके कुल करना है जीरो के तो इसका मतलब तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन फोर माइनस आयोटा कोस थीटा तो अपने टू जीरो क्या करेंगे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं थ्री प्लस थीटा फोर प्लस थीटा. इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो सिक्सटीन ठीक तो है तो सिक्सटीन इधर क्या आएगा आपके प्लस कोस थीटा ऐसा हो गया ठीक है तो इसमें आपके पास में इमेजिनरी पार्ट क्या है इक्वल टू जीरो रख लो तो इसमें देखो आपके पास में इमेजनरी पार्ट ठीक है जो भी है मतलब इमेजनरी पार्ट इक्वल टू जीरो ठीक है ये आपके पास में इमेजनरी पार्ट इसका जीरो के लग दिया तो देखो इमेजनरी पार्ट आपके पास में क्या आएगा यहाँ से सो फोर आईटा साइन थीटा एंड दिस इज थ्री तो इसमें क्या आएगा आपके पास में फोर साइन थीटा प्लस थ्री थीटा, equal to zero. तो ये आपके पास में किसके आ गया माइनस थ्री अपॉन फोर ऐसा आ रहा है अब देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसी से इसी से अपने आर्ग्यूमेंट लिख देता है तो वो गलत लिखतेगा ठीक है ना और आपको चाहिए किस में साथ में जीरो से पाई में चाहिए टू पाई में तो अगर टेन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है एक तो क्या सेकेंड में आएगा एक तो सेकेंड में लिखना है तो पाई माइनस करके लिखना है एक फोर्थ में लिखना है तो फोर्थ में आपके पास में आपको लिखना है कैसे जीरो से में लिखना है। तो अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्या आ रहा है आपके पास में साइन थीटा प्लस तो किस फॉर्म में लिखोगे आप इसे तो टेन इनवर्स तो जो भी आ रहा है ना तो इसमें देखो आपके पास में तो टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा तो यहां से आपके पास में cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आएगा माइनस फोर अपन थ्री टेन इनवर्स ऑफ माइनस फोर अपन थ्री तो ये आपके पास में माइनस टेन इनवर्स ऑफ माइनस फोर ओपॉइन थ्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है इसको आप थीटा देखो फाइव के इक्वल रख लो ऐसे तो फाइव के इक्वल रखा तो टेन फाइव इक्वल टू माइनस फोर अपन थ्री तो आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये सेकंड में तो सेकंड में आप इसको कैसे लिखोगे फिर सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री ऐसे ये आपके पास में आंसर रहेगा कोई दिक्कत इसमें नहीं तो इसको देखो स्टूडेंट्स ऐसे लिखेगा पहले मैं बता देता हूं टेन फाइव माइनस टेन इनवर्स मतलब टेन ऑफ टेन इनवर्स कितना फोर अपॉन थ्री तो ये माइनस आता है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में टेन फाइव ऐसे टेन फाइव इज इक्वल टू कैसे लिखा टेन पाई माइनस टेन इनवर्स फोर पॉइंट थ्री ऐसे लिख दिया तो फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में माइनस टेन इनवर्स फोर पॉइंट थ्री क्लियर हो गया तो आपके पास में विच ऑप्शन इज करेक्ट ही पाई माइनस टेन इनवर्स फोर पॉइंट थ्री तो थर्ड ऑप्शन ए so, 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 की वैल्यू यह दे रखी है बी की वैल्यू देखो आपको सिग्मा के फॉर्म में दे रखा है ठीक है बी इज इगल टू सिग्मा ऑफ वेर इज फ्रॉम क्या के इज इगल टू जीरो टू हंड्रेड एल्फा रेस्ट पर थ्री के तो देन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ तो ए और बी किसके रूट्स है आपके पास में ये बताना है ठीक है तो इसको देखो आपके पास में अगर इसको ध्यान से देखें अपने इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू ये आपके पास में ओमेगा के इक्वल है तो आपको पता है कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं तो इज इक्वल टू यानी इमेजिनरी कंप्लेक्स मतलब इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी क्या होते हैं आपके पास में उमेगा लेट कर इसकी बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में यार एल्फा रेशर थ्री रेश पर एल्फा की पावर में तीन का मल्टीपल है तो आपको पता है उमेगा की पावर में तीन का मल्टीपल आए तो हमेशा इसकी वैल्यू वन होती है ठीक है ना तो ये आपके पास में जैसे इधर क्या आएगा आपके पास में बी सो दिस इज वन ठीक है तो आपके पास में अल्फा क्यू एल्फा पर सिक्स ऐसे कितने टर्म्स हैं ये वन हंड्रेड वन टर्म्स ठीक है तो ये वैल्यू पीस विल बी वन तो आपके पास में वन 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 वन, वन. ऐसे ठीक है कितनी बार आएगा वन हंड्रेड वन टाइम्स बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड वन ऐसा हो गया सो so, एल्फा की देखो आप ए की वैल्यू निकाल तो ए आपके पास में यहां पर क्या है? आपके पास हो वन प्लस उमेगा इस फॉर्म में तो इसको मैं कैसे लिख देता हूं के वेरिज फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड ऐसा हो गया तो आपके पास में उमेगा रिस्ट पार्ट टू के तो ये आपके पास में वन प्लस उमेगा तो यहां पर सीरीज क्या बन गई आपके पास है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेश्वा फोर ऐसा आएगा प्लस ओमेगा उमेगा पर सिक्स तो उमेगा पर टू हंड्रेड तो ये कितने टर्म्स हैं आपके पास में तो ये वन हंड्रेड वन है तो वन हंड्रेड वन तो आपके पास में वन प्लस उमेगा पर वन हंड्रेड वन माइनस वन ऐसा हुआ एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस वन इसको देखो आप फैक्टर करोगे तो इसमें क्या आएगा ओमेगा माइनस वन मिलेगा आपको तो इधर क्या two under two बनेगा तो इसमें ओमेगा one प्लस ओमेगा एंड ओमेगा रेस्ट पर two under two minus one ऐसा हुआ इधर आपके पास में ओमेगा minus one and ओमेगा plus one ये कैंसिल हो गया सॉरी ये वाला कैंसिल होगा तो ये रहेगा ठीक है ना तो ये आपके पास में तो इसमें बेटा ये ये आपके पास में क्या रहेगा यहां पे ओमेगा माइनस वन ऐसे ठीक है तो अब इसमें आपके पास में ये देखो यहां पर क्या है आप ओमेगा की पावर क्या तीन का मल्टीपल अलग कर लो तो टू रेश मतलब क्या ओमेगा रेश पर अलग कर लिया उसकी वैल्यू कितनी आएगी वन सोगा so, माइनस वन रह जाएगा यहां पे ओमेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा माइनस वन दिस इज वन तो ए की वैल्यू आपके पास में वन आ गई बी की वैल्यू वन हंड्रेड वन आ गई सो विच इक्वेशन हैविंग द रूट्स हंड्रेड वन एंड वन तो आपके पास में कौन से ऑप्शन में तो फोर्थ ऑप्शन में तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट जेड बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दी एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक उस so, है उसमें मोडलस ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू वन एंड मोडलस ऑफ जेड इज इकल टू फाइव पॉइंट टू देन वैल्यू ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा तो जेड प्लस थ्री आयोटा की वैल्यू पूछिए अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा जोमेट्री से देखें तो इस क्वेश्चन के अपने पास में जेड की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई तो देखो इसमें सोल्यूशन लेट जेड इज इकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई यहां से जेड का लोकस क्या मिला लोकस ऑफ इज़ सर्कल सेंटर इज द ओरिजन एंड रेडियस इज फाइव पॉइंट टू ठीक है है तो अब the, is, तो अब जेड आल्सो दिस नंबर को इक्वल टू पे आपके पास में इसको कर लेते हैं. 2 इस में आपके पास में यहां पे क्या आ गया एक्स माइनस वन होल स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर इस फॉर्म में तो दिस इज एक्स प्लस टू सॉरी एक्स स्क्र यहां पर आपके पास में क्या रहेगा ये एक्स एंड वाई प्लस टू होल स्क् इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो आपके पास में देखो क्या आ रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन तो इधर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ठीक है प्लस फोर वाई इधर ये आयोटा ही था इसमें इसमें ये आयोटा ही था इसको देखो अपने पास में ये तो ये यहां पर आपके पास में इधर क्या हो गया एक्स स्क्र वाई माइनस वन फोल स्क्वेयर इसको इस फॉर्म में कर दिया ठीक है तो इधर आपके पास में क्या आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई प्लस वन ठीक है 1, ये यही रहेगा इसका स्क्यरिंग करा तो इधर क्या आएगा फोर वाई प्लस फोर तो कुछ कैंसिल हो गया इधर से X y तो इधर आपके पास में सो 6Y, 6Y so कितना आ रहा आपके आपके पास में? 1 2. तो आपके पास में में तो मतलब ये इस केस में आपके पास में जेड किस पे मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लोकस ऑफ जेड इज मूविंग ऑन लाइन वाई इज इकल टू माइनस वन पॉइंट टू अब वो इस सर्कल पे भी लाइक करता है तो देखो आप ने डायग्राम अगर आप देखो ज्योमेट्री से करें क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाता है इसको ये देखो इसका रेडियस आपके पास में ये जीरो माइनस फाइव पॉइंट टू ऐसे नीचे नीचे की तरफ तो इधर आपके पास में ये जो लाइन है ये ओरिजन हो गया तो अब इसमें इस वाई इस टू माइनस वन पॉइंट टू तो ये वाई इजिकल टू माइनस वन पॉइंट टू आ गया तो ये इस सर्कल को कट कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अब इसका मतलब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम पॉइंट जीरो माइनस थ्री तो जीरो माइनस थ्री आपके पास में यहां कहीं आएगा जीरो माइनस थ्री ठीक है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो इसको पॉइंट को ए बी या इस पॉइंट को ले लो या इसको ले लो एक ही बात है ये दो बोथ विल बी सिमेट्रिकल तो यहां से माइनस वन पॉइंट टू देखो सर्कल का इक्वेशन क्या है आपके पास में एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र इज टू ट्वेंटी फाइव अपॉइंट फोर तो y की वैल्यू डालें यहाँ पे देखो आपके पास में y की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा ये तो यहाँ पे सिक्स हो जाएगा ये एक्स इजिकल टू ये वन टू डाला ना यहाँ पे तो आपके पास में सिक्स आएगा तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस रूट सिक्स तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में a के कोऑर्डिनेट क्या आगे रूट सिक्स एंड माइनस वन अपू तो अपने को ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस है

So, आपके थ्री प्लस वन पॉइंट टू तो ये माइनस का 4, ऐसा है। इसको फिर आपने कर लिया तो कितना पॉइंट टू तो ये आपके पास में आंसर आ गया तो पता लग गया आपके पास में मैंने जेड को ये लाइट कर लिया तो वहां से आपके पास में वाईजिकल टू माइनस वन पॉइंट टू आ गया अब अपने को ये सर्कल आएगा एक Whose क्या है 5.2 इस 0 -0. अब ये जो y is equal to, वो z पे मूव कर रहा है और इस पे भी कर रहा है तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है ये वाला पॉइंट है ये ठीक है तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया अब इसका डिस्टेंस पूछा है कहां से 0 माइनस से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन

आपके पास में इससे आपको क्या मिलेगा हेयर यू विल गेट फोर लाइन्स चार लाइन्स मिलेंगी तो जेड उस पर मूव करता है तो देखो आपके पास में इस तरीके से आ गए ये चार लाइंस हो गई आपके पास में एक तो ये हो होगी एक्स प्लस वाई इजल टू फोर एक ही हो गई आपके पास में एक्स माइनस वाई इजिकल टू फोर एक ही हो गई एक्स माइनस वाई प्लस फोर एंड दिस लाइन इज माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल टू फोर अब अपने को पता है जेड इज मूविंग ऑन दिस स्केयर जेड क्या इस स्केयर पे मूव कर रहा है बेटा अब इसमें मूव करेगा तो वो आपके पास में क्वेश्चन में क्या पूछा है मोडलर्स तो ऑफ जेड मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजन ओरिजन से आपके पास में मिनिमम कितना रहेगा तो कौन सा पॉइंट इस पर जो जेड है वो क्या इससे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो वो आपके पास ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी लाइन फ्रॉम द ओरिजन सो वट विल बी दिस डिस्टेंस तो इससे डिस्टेंस आपके पास में क्या आ जाएगा ये टू रूट टू रहेगा यानी टू रूट टू सो डिस्टेंस दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस विल बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन तो फोर अपॉन रूट टू दैट इज टू रूट टू ये आपके पास में रूट एट हो गया क्लियर है एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कहां से कहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा फोर ये फोर आएगा क्लियर है तो आपके पास में मोडलस ऑफ जेड वेरिज फ्रॉम वट अंडूट एट टू वट फोर ये आपके पास में मोडलस जेड आ गया तो आपके पास में कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता तो ये तो पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है दिस इज व्हाट अंडू टेट पॉइंट कितना फाइव दिस इज आल्सो पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन नेक्स्ट क्वेश्चन तो जेड इज टू आपके पास में देखो यहां पे क्या रूट थ्री अपॉन टू दे रखा है तो देन इसकी वैल्यू पूछिए आपको तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी तो इसमें देखो आपके पास में जेड इज इक टू रूट थ्री प्लस सायोटा अपॉन टू इस फॉर्म में है इसको आप पोलो फॉर्म में चेंज कर लो तो पोलो फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखो आपके पास में कॉस फाइव बाई सिक्स प्लस साइटा साइन फाइव बाई में आ रहा है तो यहां से जेड रेश्वाइव निकाल लो तो जेड रेश्वाइव आपके पास में क्या आएगा कॉस फाइव फाइव बाई सिक्स ठीक है तो वो आपके पास में जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो देख लेंगे कॉस फाइव पाइव एंड प्लस साइन फाइव पाइव ऐसा हो गया डी तो अब इसमें आपके पास में ये कितना हो गया माइनस रूट थ्री अपॉन टू प्लस आयटा अपॉन टू ये मैंने वैल्यू कर बता दिया फिर जेडरेस्ट एट क्या आएगा आपके पास में कॉस एट पाइव बाई सिक्स प्लस आयटा साइन एट पाई बाई सी हो गया कौन से क्वार गया दो सौ चालीस हो गया ना तो आपके पास में सो फोर पाई बाई थ्री तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये माइनस का कितना आ रहा आपके पास में माइनस का अपॉन टू तो ये माइनस का आयोटा रूट थ्री अपॉन टू इस फॉर्म में आ गया तो ये वैल्यूज आप इसमें डाल दो सारे की सारी तो देखो क्या आता है अब इसमें तो इसमें वन इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा रूट थ्री अपॉन टू इधर माइनस का वन अपॉन टू आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वेयर अपॉन टू आएगा ना अब इसकी वैल्यू आपके पास में क्या माइनस रूट थ्री अपॉन टू एंड प्लस आयोटा अपॉन टू अब इसके देखो आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा तो इधर माइनस आयोटा स्क्वेयर तो ये हो जाएगा प्लस रूट थ्री बाई टू ठीक है रेश पावर कितना है नाइन इनकी सबकी वैल्यू डाल दी इसमें अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो उसे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें ये ये कैंसिल हो गया इधर से ये कैंसिल हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास में तो यहां से वन अपॉइंट टू प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू रेश पर नाइन अगर आपको ध्यान में हो ये किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है माइनस उमेगा स्क्र के किसके तो उमेगा स्क्र क्या होता है माइनस वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू तो ये माइनस ओमेगा स्क्र के इक्वल हो गया अब रेस्ट पर नाइन ठीक है तो यहां से माइनस वन आ गया एंड उमेगा रेस्ट पर एटीन तो इसकी वैल्यू क्या होती है वन तो ये आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस वन क्लियर है तो अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन

लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा वहां से आप इसके सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखेंगे फिर वो आपके पास में क्या आ रहा है तो अब इसमें आपके पास में एंड दिस सेटिस्फाई वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इसमें आप जेड की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा रख ले ठीक है तो वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपके पास में फिर बी किसका रूट आता है तो पहले सॉल्यूशन में देखो आप इसको क्या करेंगे लेट रूट्स ऑफ ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा प्लस आइटा बीटा अल्फा माइनस आइटा बीटा ऐसे लट किया तो सम ऑफ़ रूट्स क्या आ रहा बताओ सम ऑफ रूट्स सो टू अल्फा माइनस बी ऐसा हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर फोर्टी फाइव ठीक है तो ये आपके पास में फोर्टी फाइव आ गया एनी प्रॉब्लम अब इसमें देखें आपके पास में जेड की वैल्यू इसमें डाल दें तो दीज रूट ऑल्सो सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन वो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं तो इसमें आपके पास में अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस वन सो दिस इज टू रूट टेन ऐसा हो गया तो आपके पास में इसको क्या लिखेंगे आप एल्फा प्लस वन होल स्क्र ठीक है प्लस बीटा स्क्वेयर अंडूट में सो दिस इज टू रूट टेन सो इसको स्केयरिंग करें तो स्केयरिंग किया तो क्या आता है आपके पास में स्केयरिंग तो एल्फा स्क्यर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस टू एल्फा प्लस वन सो दिस इज फोर फोर्टी अब इसकी वैल्यू कितनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपके पास तो आ गया तो टू पॉइंट so, समझ में आएगा यहाँ पे आपके पास तो हो सिक्स हो गया तो माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री इसमें इक्वल टू माइनस थ्री सो बी इज इक्वल टू सिक्स तो बी इक्वल टू सिक्स So, कौन सी इक्वेशन में आपके पास में बेजिकल टू सिक्स रखने पर मतलब कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये ये हो रही है आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन क्लियर है तो ये बेटा कंप्लेक्स नंबर्स के जो अपने जई मेन 2019 और 2020 में हमने क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन किया प्रॉपर ठीक है ओके थैंक okay? यू